गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ हिंदी है व्याकरण रचना रिवीजन। बुक का नाम है रिवीजन। पार्ट एक, हम भारत के भरत। ये भी हमारा हो गया है, इसके प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए हैं। फिर एक पार्ट दो, मेहनत की कमाई। इस पार्ट को भी हमने पढ़ लिया और इसके भी प्रश्न उत्तर हो गए हैं। पार्ट तीन, अपनी वस्तु। इस पाठ को हमने आधा पढ़ा है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि लालच नहीं करना चाहिए। लालच से मनुष्य बुरा कर्म कर बैठता है तथा अपनों का ही दुश्मन हो जाता है। जैसे ये दोनों भाई जमीन पर अपना हक जताकर लड़ाई कर रहे थे। इसमें दो भाई होते हैं जो लड़ाई जमीन के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं। महात्मा ने बड़ी आसानी से दोनों को समझाया कि यह हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु हमारी नहीं है। केवल भजन कीर्तन और अच्छे कार्य ही हमारे साथ रहते हैं। और इन दोनों का झगड़ा शांत करवाया। अब हमने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, इसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए। सेकंड पैराग्राफ पढ़ा, उसके भी प्रश्न उत्तर कर लिए। थर्ड पैराग्राफ पढ़ा, इसके भी प्रश्न उत्तर हमने कर लिए। आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ फोर्थ, गद्यांश चार। महात्मा जी ने शांत स्वभाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो। अभी मैंने एक शॉर्ट समरी बताई या संक्षेप में मैंने आपको बताया, वही बात इसमें कही गई है। महात्मा जी ने शांत स्वभाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। ये कौन बोल रहा है? महात्मा जी बोल रहे हैं। किनको बोल रहे हैं? उन दोनों भाइयों को। और किसे पूछने के लिए बोल रहे हैं? जमीन से। बस वही इस बात का निर्णय कर देगी। किसको बोल रहे हैं निर्णय करने के लिए? जमीन को। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु इसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते। महात्मा जी क्या बोल रहे हैं? हाँ भूमि अवश्य बोलती है या जमीन अवश्य बोलती है, लेकिन इसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? महात्मा जी बोल रहे हैं कि अगर भूमि जो निर्णय देगी, इसकी है या इसकी, दोनों में से किसकी है या मैं किसी की नहीं हूँ, जो भी निर्णय देगी वो आप दोनों को मानना होगा। ये बस फोर्थ पैराग्राफ यहाँ तक खत्म हो गया। उन दोनों को मान्य होगा। अब इसके शब्दार्थ फरमाया यानी कहा, दलील यानी तर्क, निर्णय यानी फैसला, ये शब्दार्थ इस पैराग्राफ के जो आपको कॉपी में करने हैं। उतावलू यानी तैयार या उतावले। मालिक यानी स्वामी। ताकना यानी लगातार देखना। मान्य यानी स्वीकार। ये आपको कॉपी में करने हैं। अभी इसी पैराग्राफ की ये प्रश्न उत्तर ये भी आपको कॉपी में करने हैं। जैसे सुनो, तो महात्मा ने क्या फरमाया? उत्तर, महात्मा ने कहा, भूमि से ही पूछ लेते हैं कि इसका असली मालिक कौन है। ये इसका उत्तर कि भूमि से ही पूछ लें कि असली मालिक कौन है। महात्मा की ओर कौन देखने लगा? उत्तर, दोनों भाई महात्मा की ओर देखने लगे। ये भूमि की आवाज़ को कौन सुन नहीं सकता था? उत्तर, भूमि की आवाज़ को वे दोनों भाई नहीं सुन सकते थे। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उत्तर, भूमि की आवाज़। ये चारों क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं, चारों प्रश्न, और प्लस शब्दार्थ भी करने हैं आपको। अब है फिफ्थ पैराग्राफ। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। किस बात पर? कि जो भूमि हमें निर्णय करेगी वही हमें मान्य होगा, इस बात पर। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी ही जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाना आए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक
हम यहीं बैठते हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। शब्दार्थ का राजी यानी तैयार, जोरो यानी तीव्र, डटकर यानी पेट भरकर, मस्तिष्क यानी दिमाग, ठिकाने यानी ठीक स्थिति। अब इसके प्रश्न उत्तर जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उस सभी के प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करना है। दोनों भाई किसकी बात पर राजी हो गए? उत्तर, दोनों भाई महात्मा जी की बात पर राजी हो गए। ख, किसको जोरों की भूख लगी थी? ये तो आपको भी मालूम होना चाहिए, पैराग्राफ में पढ़ लिखा हुआ है। उत्तर, महात्मा जी को जोरों की भूख लगी थी। ग, पेड़ की छाया में कौन बैठ गया? उत्तर, पेड़ की छाया में महात्मा जी बैठ गए। घ, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम लिखे अपनी वस्तु। अब छठा पैराग्राफ गद्यांश या, दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के तीन भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि के लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, क्योंकि क्रोध में ही हम गलत फैसले ले लेते हैं, ताकि उन्हें समझाया और बुझाया जा सके। और हुआ भी यही, ये दोनों जब भोजन के से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। अब जमीन थोड़ी ना बोलेगी, अब वो दोनों भाई बोल रहे हैं महात्मा जी, जमीन नहीं बोलेगी, आप हम इस भूमि का या इस जमीन का निर्णय आप खुद ही कर दीजिए। अब इसके शब्दार्थ, तत्पश्चात यानी इसके बाद, आदेश यानी आज्ञा, कार्रवाई यानी कार्य करना, उद्देश्य यानी लक्ष्य, क्रोध यानी गुस्सा, निवृत्त यानी कर चुकना, स्वतंत्र विनय यानी निवेदन, निर्णय यानी फैसला। अब इसके प्रश्न उत्तर शब्दार्थ ये भी आपको कॉपी में करने हैं और इसके प्रश्न उत्तर ये भी, तीन पैराग्राफ, तीनों के प्रश्न उत्तर और तीनों के शब्दार्थ आपको करने हैं। क, भोजन दोनों भाई कहाँ से बनवा कर लाए? उत्तर, भोजन दोनों भाई अपने घर से बनवा कर लाए। ख, महात्मा ने भोजन के कितने भाग किए? उत्तर, महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए। महात्मा ने भोजन के कितने भाग किए? 3, एक स्वयं के लिए, शेष 2 भाग दोनों भाइयों के लिए। एक तो खुद के लिए किया और 2 भाई थे उन दोनों के लिए एक एक भाग किए, यानी 3 भाग किए महात्मा जी ने। वापस देखो, महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए, एक स्वयं के लिए, शेष 2 भाग दोनों भाइयों के लिए। भोजन बनाने खाने में कितना समय लग गया? उत्तर, 2 घंटे। कितने लग गए? 2 घंटे, ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए। महात्मा जी भी यही चाहते थे। भोजन करने के बाद महात्मा से भाइयों ने क्या निवेदन किया? उत्तर, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। ये दोनों भाई बोल रहे हैं कि महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। ये दोनों भाई बोल रहे हैं किसको? महात्मा जी को। आप ये चारों उत्तर, 1, 2, 3, 4 चारों प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं। और हालांकि फर्स्ट पैराग्राफ के भी प्रश्न उत्तर करने हैं, उसके शब्दार्थ, सेकंड के भी शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर, थर्ड के भी प्रश्न उत्तर और फोर्थ के भी शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर, फिफ्थ के भी प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ, और सिक्स के भी शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर, ये सब आपको होमवर्क करना है। आपका गृह कार्य यही है आज के लिए। आज की डेट लगाओगे 16 तारीख, कब का है ये? 16 तारीख लगा के ये होमवर्क करोगे कंप्लीट। फिर पीछे बचेंगे जो पैराग्राफ 3, 7, 8, 9 ये करके, और जो क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं 2, 3, 4, 5, 6 ये करने हमें बस, और ये भाषा की बात की ये, ओके ये कर लेते हैं आज।
भाषा की बात। पाठ में उद्व्यक्त मुहावरा लाल पीला होना का अर्थ अत्यधिक क्रोधित होना है। वाक्य में प्रयोग दोनों भाई धरती के स्वामित्व को लेकर लाल पीले हो रहे थे। इसी प्रकार आप भी नीचे लिखे मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। क 9 2 11 उना क्या होगा इसका? भाग जाना। क्या होगा? भाग जाना। विद्यालय का समय होते ही शाम 9 2 11 हो गया। ये वाक्य में प्रयोग है। विद्यालय का समय होते ही शाम 9 2 11 हो गया या राम 9 2 11 हो गया, कुछ भी आप लिख सकते हो। एक लाइन लिखनी है आपको, एक वाक्य बनाना है। फिर पसीना पसीना हो जाना, घबरा जाना। पसीना पसीना होना, घबरा जाना। गृह कार्य न करने के कारण मोहन अध्यापक को देखते ही पसीना पसीना हो गया। वापस सुन लो, गृह कार्य न करने के कारण मोहन या सोहन, कोई भी किसी का भी नाम लिख देना, अध्यापक को देखते ही पसीने पसीने हो गया। यह आपका होमवर्क है। फिर यह भी करें, किसने क्या क्या कहा? भाई ने भाई से। भाई ने भाई से क्या कहा? यह भूमि मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ। यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ। फिर महात्मा ने भाई से, महात्मा ने भाइयों से क्या कहा? हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? ये कहा। फिर भूमि ने महात्मा से ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। ये दोनों अवश्य मेरे हैं, लेकिन मैं किसी की नहीं। देखो, वापस सुन लो, भूमि ने महात्मा से क्या कहा? ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों मेरे अवश्य हैं। ओके, ये वाला और ये वाला, आज की डेट में ये दोनों काम करने हैं। ये बाद में करेंगे अपन, अभी इसको नहीं करवाया मैंने, है ना? भाषा की बात के दोनों क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं, और कॉपी सोमवार और गुरुवार को चेक करवानी है।